देखते हैं एक्सरसाइज 6.2 का क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में कहा है कि इन द फॉलोइंग फिगर ए बी एंड सी आर पॉइंट्स ऑन ओपी ओक्यू एंड ओआर रिस्पेक्टिवली सच दैट ए बी इज पैरेलल टू पी क्यू एंड ए सी इज पैरेलल टू पी आर सो दैट बी सी इज पैरेलल टू क्यू आर। आपको शो करना है कि बी सी पैरेलल होगा क्यू आर के। तो हम सबसे पहले लेते हैं ट्राइंगल पी ओ क्यू एंड ट्राइंगल पी ओ क्यू। जब पी ओ क्यू ट्राइंगल में देखते हैं तो हमें दिया है ए बी इज पैरेलल टू पी क्यू, ए बी इज पैरेलल टू पी क्यू। अब बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम से ये ट्राइंगल पी ओ क्यू में एक लाइन है जो पी क्यू के पैरेलल है, तो ये लाइन पी ओ को पी ए अपॉन ए ओ और ओ क्यू को OB अपॉन BQ सेम प्रोपोर्शन में डिवाइड करेगी। तो बाय यूजिंग बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम का यूज करेंगे तो पी ए अपॉन ए ओ हमें लाना क्या है, अगर हमें दिखाना है बी सी पैरेलल टू क्यू आर तो सो दैट बी सी इज पैरेलल टू क्यू आर, तो इस ट्राइंगल को दिखाना होगा। तो पी ए अपॉन ए ओ इज इक्वल टू हो जाएगा क्यू बी अपॉन बी ओ, क्यू बी अपॉन बी ओ इक्वेशन नंबर 1 दिया। अब लेते हैं ट्राइंगल पी ओ आर में, इन ट्राइंगल POR में हम देखते हैं AC इज पैरेलल टू PR, गिवन है AC इज पैरेलल टू PR, तो फिर बाई यूजिंग बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम का यूज करेंगे तो हमारा आएगा पी ए अपॉन ए ओ इज इक्वल टू पी ए अपॉन ए ओ इज इक्वल टू सी आर अपॉन सी ओ, सी आर अपॉन सी ओ इक्वेशन नंबर 2। अब हम जब इक्वेशन 1 और 2 को देखेंगे, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 से पी ए अपॉन ए ओ इक्वल टू है क्यू बी अपॉन बी ओ के और पी ए अपॉन ए ओ है सी आर अपॉन सी ओ के, तो राइट साइड भी दोनों के इक्वल होंगे। हम लिख सकते हैं QB अपॉन BO इज इक्वल टू CR अपॉन CO। अब देखते हैं ये QB और BO कहाँ है, QB अपॉन BO और ये है CR अपॉन CO, ये है ट्राइंगल O क्यू ओ आर में, इन ट्राइंगल क्यू ओ आर
इस क्यू आर ट्रायंगल में देखते हैं तो हमें क्यू वी अपॉन वी ओ इक्वल टू है सी आर अपॉन सी ओ। तो बाय यूजिंग कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम का कन्वर्सी हम यूज करेंगे, तो अगर ये रेशियो सेम है तो ये दोनों लाइनें पैरेलल होंगी, तो हम लिख सकते हैं बी सी इज पैरेलल टू क्यू आर, बी सी इज पैरेलल टू क्यू आर। यही हमें प्रूव करना था। थैंक यू, नोटेड।